हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन गुरु चैनल पे। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों आज हम आए हैं रीजनिंग के एक चैप्टर सीरीज के साथ, सीरीज यानी कि श्रृंखला। और श्रृंखला को हम देखेंगे किस तरह के आपको क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं। सिंपल तरीके से करेंगे भाई, हमें ऑप्शंस लेकर के प्रश्न की पता लगती है कि इसके ऑप्शन में क्या ऑप्शन दे रखे हैं और क्या इसका आंसर हो सकता है इसके प्रश्न को देख करके। लेकिन हमें यहाँ पे ना तो ऑप्शंस दे रखे हैं और सिर्फ प्रश्न दे रखे हैं, तो हमें ये चीज़ें सिर्फ समझने के लिए हैं कि इन तरह से प्रश्न आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। कौन कौन से तरीके होंगे, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, कितना जोड़ दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। मतलब ये है कि इस वीडियो के बाद आप जब चैप्टर लेकर के बैठेंगे तो आपको क्या होगा उसमें, मतलब बड़ी आसानी हो जाएगी करने में। आप कोई भी बुक ले लीजिएगा या मैं पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में, तो वहां से आप देख लीजिएगा, प्रश्नों को कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं श्रृंखला को। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं, सबसे पहले हम चीजों को समझते हैं। अब ये जो श्रृंखला होती है दोस्तों, श्रृंखला यानी कि सीरीज का सीन क्या होता है, इसमें दो तरह की कंडीशंस आपको मिलती हैं देखने को। कौन कौन सी कंडीशन होती है, दो तरह की श्रृंखला होती है। एक श्रृंखला होती है जिसे हम बोलते हैं सिंपल सीरीज, या हम इसे कह सकते हैं साधारण श्रृंखला। एक होती है भाई कंपाउंड सीरीज को हम बोलते हैं मिश्रित श्रृंखला। ये दो तरह की श्रृंखलाएं होती हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे सिंपल सीरीज को। सिंपल सीरीज वह होती है जो प्रश्न दे रखा हो जिसमें सिंपल आपको सीरीज दे रखी हो, मतलब एक ही सीरीज दे रखी हो प्रश्न में, जैसे 7, 14, 21, 28, 35। अब यहां से आपसे पूछ लेगा क्या है, वैसे डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, ऑप्शन क्या दे रखा है। लेकिन सिंपल तरीका है, ये सिंपल सीरीज है तो इसमें क्या करेंगे, 7 × 2 = 14, 7 × 21 = 28, 7 × 5 = 27, 42। तो यहां पे आंसर हो जाएगा 42। समझने की कोशिश करना, ये मत कहना कि ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे हम बढ़ाते चले जाएंगे और चीजों को समझेंगे कि मतलब किस तरह से प्रश्न आपको आएंगे। तो इस तरह से ये तो होगी सिंपल सीरीज। कौन सी सीरीज होगी, ये वाली सिंपल। इसमें क्या है, बस एक ही सीरीज दे रखी है पूरे प्रश्न में। अब आती है मिश्रित श्रृंखला यानी कि कंपाउंड सीरीज। कंपाउंड सीरीज कैसे होती है, ये होती है कंपाउंड सीरीज और ये होती है सिंपल सीरीज। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए सिंपल सीरीज किस तरह से होगी, प्रश्न कैसे दे रखा होगा, 3, 7, 12, 6, 14, 24, 9, 21, 36, ये प्रश्न आपको दे दिया मान लो। अब आपसे पूछ लेगा कि बताइए यहां क्या आएगा, इनमें क्या होगा। अब आप कैसे समझेंगे कि ये जो श्रृंखला है ये कंपाउंड श्रृंखला है, ये मिश्रित श्रृंखला है, कैसे समझेंगे। तो समझने के लिए सिंपल तरीका है, देखिए 3 यहां पे दे रखा है, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। अब 3 × 4 = 12, तो यहां ऑप्शन आ जाएगा 12। ठीक है, अब यहां देखिए 7 × 2 = 14, 7 × 21 = 28, तो यहां क्या आ जाएगा भाई 28। यहां पे क्या है 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48, तो यहां कितना आ जाएगा 48। समझ में आया, ये तो हो गई भाई सिंपल सीरीज यानी कि साधारण श्रृंखला जिसमें प्रश्न में एक ही सीरीज दे रखी हो। अब इसमें क्या है, अलग अलग सीरीज दे रखी होती है, 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा, इस तरह से फिर आगे आपसे पूछ लेगा, जैसे 3, 7, 12, 6, 14, 24, 9, 21, 36। अब इसके आगे पूछ लिया आपने, तो 7 का यहाँ पे क्या था 14 कर रखा था, 7 × 21 = 28 हमने यहाँ ले दिया। शुरू का लेते हैं 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 आ गया था यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से होगा। अब आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ये तो आपने समझ लिया कि ये जो सीरीज होती है, दो तरह की सीरीज मिलती है आपको देखने को। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं चीजों को थोड़ा सा और अपग्रेड करके। मैंने कुछ प्रश्न लिए हुए हैं, उन प्रश्नों को हल करेंगे और उनमें कौन सी श्रृंखला लग रही है, क्या हो रहा है, क्या चीज नहीं हो रही है, वो सारी चीजें देखेंगे। देखिए सबसे पहले जो पहला वाला प्रश्न है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है 320, 335 और 355, 380। अब आपसे कह रहा है आगे बताइए क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले चीजों को समझना है, इसको हम बोलते हैं जब किसी भी सीरीज में अगर धीमी गति से, तीव्रता उसकी धीमी हो रही है,
ठीक है, उसकी जो बढ़ने की ऊपर जाने की जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो पिछली वाली संख्या में कुछ जुड़ सकता है, ठीक है, और अगर घटती जा रही है तो पिछली वाली संख्या से कुछ घट सकता है, ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब इसमें क्या है, बहुत धीरे धीरे से सीरीज क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो यहां पे कितने ज्यादा है, 15 ज्यादा है, 20 से 35 हो रहे हैं, 15 ज्यादा है, यहां से कितने ज्यादा है, यहां से 20 ज्यादा है, यहां से आगे देखेंगे तो 25 ज्यादा है, आगे करेंगे आप यहां पे 30 कर देंगे ज्यादा, और यहां पे आगे चलेंगे तो 35 कर देंगे ज्यादा, इस तरह से होता चला जाएगा। अब देखिए यहां तक तो ये सॉल्व हो गया, यहां तक पूरा, अब यहां से आगे आप क्या करेंगे, क्योंकि एक बार देखिएगा आप 320 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 335, 335 में 20 ऐड करेंगे तो 355 हो जाएगा, 355 में फिर से आप 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 380, अब 380 में आप 30 ऐड करिए कितना हो जाएगा 380 प्लस 30 कितना हो गया 0 8 9 10 11 1 3 और 1 4, यहां पे आएगा 410, आगे 410 में फिर 35 ऐड करिए, 410 में आप 35 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 5 3 और 1 4 और 4 445, बस ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना है आपको। अब ये ऐड आप इस तरह से थोड़ी ना करेंगे, सिंपल तरीके से ऐड कर देंगे भाई, जोड़ने में तो कुछ भी नहीं है, मैं तो आपको डिटेल में सारी चीजें करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, दूसरा देखते हैं दूसरे वाले प्रश्न को। दूसरा प्रश्न कह रहा है 3 7 17 39 79 143, 3 7 17 39 79 143, और फिर देखिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये सिंपल सिंपल सीरीज है या कंपाउंड सीरीज है, और किस तरह से ये बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है तो आप जोड़ के देख सकते हैं, अगर तीव्र गति से बढ़ रही है तो गुणा कर सकते हैं, या फिर दो पद की भी आ सकती है, तो ये प्रश्न जो है ये दो पदों का प्रश्न है। जैसे तो यहां पे इन दोनों का डिफरेंस देखिए, या तो प्रश्न बन सकता है इसमें क्या सिंपल सीरीज बन सकती है, सिंपल सीरीज या कंपाउंड सीरीज, और इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें या तो दोस्तों ये धीमी गति से बढ़ रही है तो इसमें जुड़ सकता है, ठीक है, धीमी गति से घट रही है तो घट सकता है पिछली वाली संख्या में से, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर ये तीव्र गति से बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है तो इसमें कुछ गुणा हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डबल सीरीज भी बन सकती है। डबल सीरीज क्या होती है वो समझ लेते हैं, फिर एक करेंगे तीव्र गति से बढ़ने वाला प्रश्न, ठीक है, जिसमें गुणा भी किया जा सकती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 3 और 7 कितने का अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 4 का, इसके बाद डिफरेंस कितने का आ रहा है 10 का, 7 से 17 हो रहे हैं, फिर 17 से 39 हो रहे हैं, 22 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 39 से 79 हो रहे हैं तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 40 का डिफरेंस आ रहा है, इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे 79 से और 143 हो रहा है तो कितने का 64 का डिफरेंस आ रहा है। अब आगे आपसे पूछ लेगा बताइए यहाँ पे क्या है, तो आप कैसे पता लगाएंगे इसका यहाँ पे क्या है भाई, ये तो कोई भी मतलब यहाँ पे अलग बढ़ रहे हैं, यहाँ पे अलग बढ़ रहे हैं, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ भी अलग, तो हर चीज़ अलग अलग हो रही है, लेकिन इसके नीचे आ जाइए आप, इसके नीचे आ जाएंगे तो क्या देखेंगे आप, देखेंगे तो आप देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस है 6 का, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 12 का, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 18 का, इतने इसमें कितने का है 24 का, अब कितने का होना चाहिए भाई 30 का, अब 64 में आप 30 ऐड कर दीजिए, 64 में आप 30 ऐड करेंगे तो 4 6 और 3 9, अब आ जाएंगे 94, अब 143 में 94 ऐड करेंगे, 143 में 94 ऐड करेंगे, 4 और 3 7, 9 और 4 13, 3 यहां पे 2 237, यहां पे आंसर कितना आ जाएगा भाई, सॉरी 237, ठीक है, ये आंसर हो गया। कैसे हुआ भाई, सिंपल तरीके से इसको हम बोलते हैं, ये डबल सीरीज होती है, नीचे तक निकालना पड़ता है आपको, तब आते हैं, ऐसे प्रश्न बहुत देखने को मिलते हैं, 3 7 17 39 79 143 237, ये 237 तो आंसर आ गया, लेकिन यहां तक हमको दे रखा है, लेकिन इसमें डिफरेंस बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे 4 का अंतर आ रहा है, यहाँ 10 का अंतर आ रहा है, 22 का आ रहा है, 40 का आ रहा है, 64 का आ रहा है, अब यहाँ क्या लें भाई, लेकिन उसके नीचे आते हैं तो हम 4 और 10 में देखेंगे 6 का अंतर आ रहा है, फिर 10 और 22 में 12 का अंतर आ रहा है, 22 40 में 18 का आ रहा है, 40 64 में 24 का आ रहा है, तो कितना हो रहा है 6 से 12 हो रहा है, 12 से 18 हो रहा है, तो ये 6 का जो टेबल है वो चल रहा है, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, और इससे भी आगे पूछता तो 6 6 36 हो जाता, ठीक है, इस तरह से। चलिए दो प्रश्न हो चुके हैं हमारे, तीसरे प्रश्न पे चलते हैं हम। तीसरा प्रश्न दे रखा है 4 9 17 35 और 69 139, तो तीसरा वाला जो प्रश्न है इसमें आप कोई भी कैलकुलेशन लगाएंगे, कोई भी आप अपनी रीजनिंग लगाएंगे
तो अलग अलग तरीके से लगेगी। या तो आप देख सकते हैं कि धीमी गति से बढ़ रही है। भैया धीमी गति से बढ़ने का मतलब क्या हुआ, तेजी से बढ़ रही है तो क्या मतलब हुआ, अब एक बार लिख लेते हैं इसको। 4, 9, 17, 35, 69, 139। अब यहां आपसे पूछ रहा है क्या है, ये अलग अलग है भाई, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें, ये तेजी से बढ़ रही है, तीव्र गति से बढ़ रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, इसमें हम देखेंगे, या तो हम जोड़ के देख सकते हैं, घटा करके देख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से नहीं करूंगा, तीन तीन चीजें नहीं समझाऊंगा, पहले जोड़ूंगा भी घटाऊंगा भी, ये सारी चीजें नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को वीडियो छोटा रखना है और सभी चीजों को समझा भी देना है आपको, ठीक है। तो यहां 4 से 2, 4 दूनी 8 प्लस 1, ये वाली सीरीज मैं ये वाली कंडीशन लगा के देखता हूं, अगर सही होती है ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है क्या होगा, आपको देख लेना है, मैं अलग अलग नहीं लगा के दिखा रहा हूं आपको सीरीज। अब 4 दूनी 8 प्लस 1 कितने हो गए, 9। अब यहां से आगे चलेंगे आप, 9 दूनी 18 भाई, यहां पे गुणा 2 का हो रहा है और फिर 18 माइनस के 1 हो रहा है, 9 दूनी 18 माइनस 1 17 हो गए। अब यहां 17 दूनी 34, 34 प्लस 1 2 का गुणा करके प्लस 1, ठीक है। आगे चलेंगे तो यहां पे 35 दूनी 70 भाई, 2 का गुणा होकर के माइनस से 1 हो रहा है, 70 से 1 कम हो रहा है, 69 हो रहा है। अब 69 दूनी कितने होते हैं, 69 टू जा, अब प्लस करेंगे यहां पे, 69 टू जा होता है 138 में प्लस कर देंगे एक, तो कितना हो जाएगा 139। अब 139 टू जा माइनस 1 क्यों करेंगे, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पे भाई, एक प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, सीरीज बनती चली जा रही है। देखिए पहले प्लस हुआ फिर माइनस हुआ एक, फिर प्लस हुआ एक, फिर माइनस हुआ एक, फिर प्लस हुआ फिर माइनस हुआ एक। तो हम क्या करेंगे, 139 यहाँ पे करेंगे 2 का, 9 दूनी 18 8, 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, और यहां पर जाएगा 2 एकम 2, 278 माइनस 1, तो आंसर कितना हो गया 277। तो यहां पे कितना आ जाएगा भाई, 277। तो सिंपल तरीके से ये आंसर आ जाएगा इसका, बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए 3 प्रश्न हमने किए बहुत आसानी से, अब आगे चलते हैं, और इसमें क्या है भाई, ये तीव्र गति से बढ़ने वाला सिस्टम हो रहा है, तो इसमें हमने गुणा कर दिया। अब गुणा ही नहीं हो सकती है तीव्र गति से बढ़ने वाले सिस्टम में, या तो देखिए क्या क्या चीजें बन सकती हैं, या तो विषम संख्याएं हो सकती हैं, या भाज्य संख्या हो सकती हैं, या अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, या भाज्य पूर्ण हो सकती हैं, ठीक है, ये संख्याएं बन सकती हैं, ठीक है। तो समझिएगा इनको कैसे करेंगे, ये चीजें आपको समझ में जब ही आएंगी जब आप प्रश्नों को करेंगे, अलग अलग तरह के प्रश्नों को करेंगे। अब ये तो है नहीं कि मैं बुक के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दूं, इतना टाइम आपके पास भी नहीं होगा, बस ट्रिक समझेंगे भाई कौन से सवाल में कौन सी ट्रिक लग रही है। और जो मैं ट्रिक समझा रहा हूं भाई, हर क्वेश्चन में जितने भी सीरीज के क्वेश्चन होंगे इनमें से कोई ना कोई ट्रिक लग रही होगी, अलग एक दो हो सकता है कि कुछ अलग जाए, लेकिन अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा ट्रिक इसी में से कोई ना कोई होगी, 4-5 ट्रिक 5-6 ट्रिक मैं बता रहा हूँ, और हर सवाल में अलग ट्रिक है। ये 3 सवाल मैंने करा दिए, 14 सवाल मैं करा रहा हूं। अब देखिए इसको, 15-15, 30-10, 40-60, 15-15, 30-10, 40 और 8, ये दे रखा है। अब इसमें कौन सी सीरीज काम करेगी भाई, कौन सी यहां पे हमको चीजें फॉलो करनी है वो देखिएगा। तो यहां पे हम देखेंगे भाई 15-15, फिर 30 हो रहा है, फिर 10 हो रहा है, फिर 40 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, भाई कोई मतलब प्रोग्राम सेट नहीं हो रहा, ना तो एक प्लस कर सकते हैं, ना एक माइनस कर सकते हैं, ना गुणा कर सकते हैं, और गुणा करेंगे तो नहीं होगा, भाग करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें अलग अलग चीज़ें होंगी, वो चीज़ें क्या होंगी, लेकिन वो सीरीज से फॉलो करेंगी भाई, पहले के साथ वो काम कर रही होगी दूसरे के साथ करेगी, दूसरे के साथ नहीं कर रही होगी तो तीसरे के साथ करेगी, मतलब एक दूसरे से जरूर कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा। अब देखिए हम इस 15 को लेते हैं सबसे पहले, अब ये 15 है, तो ये वाला 15 कैसे आया, तो हम सबसे पहले यहां देखेंगे 15 का भाग हम करेंगे 1 में, तो कितना आ जाएगा भाई 15। अब ये इस वाले 15 से ये 15 आ गया, ठीक है। चलिए अब इस 15 से 30 कैसे आ गए, तो देखिए 15 से हम भाग गुणा करेंगे 2 का, कितना आ जाएगा 30, ठीक है। अब आगे फॉलो करिए, यहां से हमने यहां तक आए, अब यहां क्या फॉलो कर रहा है, तो यहां पर आप देखिए 30 का आप भाग करेंगे 3 में, तो कितना आंसर आ जाएगा 10, यहां पे 10 दे ही रखा है। अब 10 से आगे चलेंगे तो हम कौन सा चीज फॉलो करनी होगी, यहां पे 10 लिखेंगे, गुणा करेंगे 4 का, तो कितना आ जाएगा 10 चौक 40, ठीक है। अब आगे 40 का यहां पे 8 दे रखा है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है आगे क्या है, तो 40 का 8 कैसे दे रखा है, हम करेंगे 40
भाग करेंगे पांच का, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा आठ, आठ पंजे 40। अब इससे आगे हम चलते हैं, क्या फॉलो करेगा, तो हम क्या करेंगे भाई, आठ गुणा छ, आठ छिंग 48, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 48, 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। देखिए ये कैसे फॉलो कर रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले भाग हो रहा है, फिर गुणा हो रहा है, फिर भाग हो रहा है, फिर गुणा हो रहा है, फिर भाग हो रहा है, फिर गुणा हो रहा है, तो सीरीज बन रही है, और सीरीज ऐसे भी बन रही है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से सीरीज बन रही है। तो बस ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारे चार प्रश्न हो चुके हैं, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं, और पांचवें क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, इसमें सिस्टम हो रहा है स्क्वायर वाला। ठीक है, ये मैंने पहले किया हुआ है, और मैंने आपको इस वजह से अलग अलग चीजें रखी हैं कि आपको हर तरह के जो टॉपिक है उनसे आपको गुजरना हो। ठीक है, जिससे आप कोई भी प्रश्न करें सेकंड्स में क्वेश्चन को समझ सकें कि इसमें हो क्या रहा है और कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देखते हैं, जैसे आपको दे रखे हैं 28, 32, 23, 39, 14 और 50। अब आगे पूछ रहा है आपसे, बताइए यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से पूछ रहा है। ठीक है, ये अलग अलग है सारी चीजें। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो कई चीज देखने वाली है। पहले आपने देखना है तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो जोड़ हो, गुणा हो सकती है, भाग हो सकता है, या फिर मतलब कोई भी चीज मैंने आपको बताया था पीछे ना, जैसे क्यूब हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें देखेंगे क्या हो रहा है, 28, 32 में रिलेशन बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, 23 में फिर कम हो रहे हैं, फिर ज्यादा हो रहे हैं, फिर कम हो रहे हैं, फिर ज्यादा हो रहे हैं, तो ये हो रहा है, इस तरह से मतलब हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो किस तरह से प्रोग्राम बन रहा है वो देखिए, इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई, ये चार ज्यादा है, 28 के बाद आप प्लस करेंगे चार, चार ज्यादा है, 32 में अब माइनस हो रहा है, 32 से यहाँ पे कम हो रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, 32 में से आप माइनस के 9 करेंगे तो 23। ठीक है, अब 23 और 9 में आप देखिए, 23 और 9 में 23 के बाद प्लस हो रहे हैं, कितने प्लस हो रहे हैं, 16। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कितने कम हो रहे हैं, अब 39 में से आप माइनस करेंगे 25 तो 24 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आगे चलते हैं हम, इसमें से 14 में से कम हो रहे हैं 36। ठीक है, सॉरी प्लस हो रहे हैं, यहां पे कम हो रहे हैं ना, प्लस हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अब की बार जो आएगा वो करना है माइनस, अब की बार क्या आएगा, तो देखिए यहां पे 14 में आपने 4 ऐड किए 32, 32 में से 9 माइनस किए 23, 23 में से आपने प्लस किए 16 तो 39, और 39 में माइनस किए 25 तो 14, 14 में आपने ऐड किया 36 तो 50 हो गए। अब माइनस करना है, क्या माइनस करना है वो मैं बताऊंगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस वजह से मैंने माइनस रखा है क्योंकि सीक्वेंस बन रहा है, पहले प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस। अब ये देखेंगे आप तो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, अब यहाँ पे आएगा 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 49। ठीक है, सभी जानते हैं 49, तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे 49, कितने में से माइनस करेंगे, इस 50 में से, 50 में से आप 49 कम करेंगे तो कितने बचेंगे भाई, 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1। बस ये समझने वाली बात है, स्क्वायर वाला हो गया, स्क्वायर वाला इस तरह से होंगे, या तो स्क्वायर यहाँ पे भी हो सकता है पहली लाइन में, या स्क्वायर यहाँ हो सकता है, या स्क्वायर यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब भाई ये सारी चीजें आपको समझने वाली हैं, मैं बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, कोई मतलब इसमें ये नहीं है कि ऑप्शन से आप करेंगे, ऑप्शन तो इसमें दे ही नहीं रखे मैंने, सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन मैंने इस वजह से नहीं रखे क्योंकि मैं यहाँ पे सवाल नहीं करा रहा हूँ, अभी मैं सीरीज आपको नंबर सीरीज के जब प्रैक्टिस सेट को कराऊंगा तब आपको ऑप्शन दे दूंगा बिल्कुल यहाँ पे लगा करके, और लाइव कराऊंगा उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले रीजनिंग को एक बार कंप्लीट कर दें पूरी को, सभी टॉपिक्स को खत्म कर दें, जितने भी टॉपिक है रीजनिंग में उसको सबको हम डिटेल वाइज करेंगे। दोस्तों मैंने कैलेंडर की भी आपको एक वीडियो दी थी और वो अच्छी खासी चल रही है कैलेंडर की, उसमें क्या है कोड के तरीके से, कोड से मैंने बताया कि किस तरह से आप दिन निकाल सकते हैं, और बहुत ही आसान ट्रिक है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत ये आ रही है कि वो जानना चाहते हैं डिटेल में, कि डिटेल में हमें बताइए कैलेंडर किस तरह से होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी सीरीज के बाद मैं कैलेंडर को करूंगा, और कैलेंडर को कैसे करूंगा, कोई फॉर्मूला नहीं होगा उसमें, कोई कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, और कुछ भी आपसे पूछ ले
कुछ भी एक्स वाई जेड आपसे कोई दिन पूछ ले, कोई साल पूछ ले, कोई ईयर पूछ ले, सभी को कर दूंगा मतलब। लेकिन पार्ट होंगे उसमें दो, कम से कम दो या तीन पार्ट होंगे और आधा आधा घंटे पौन पौन घंटे के पार्ट होंगे। और ये ध्यान रखिएगा अगर आपने वो वीडियो देख ली तो कितना भी बड़ा एग्जाम हो आपका एसएससी सीजीएल तक का, कोई भी लेवल का कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर कैलेंडर से आ रहा है तो उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। चलिए मैंने ये कर दिया, अब इसके बाद हम देखेंगे ये वाला। लेकिन कांस्टेबल लेवल तक अगर आप छोटे मोटे एग्जाम देते हैं तो मैंने ट्रिक के हिसाब से एक कैलेंडर की वीडियो दे रखी है, आप उसे देख सकते हैं। बड़े एग्जाम में भी काम कर सकता है। डे निकालने के लिए बहुत अच्छा तरीका है वो, दिन निकालना हो कोई भी दिन, आप एक ही साल का या दूसरी साल का कोई भी दिन आपको दे रखा हो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं इस वाले को। 30, 68, 130, 30, 68, 130, 222 और 350। अब आपसे यहां पे पूछ रहा है बताइए क्या होगा। तो ये समझने वाली बात है, इसमें मैंने कर रखा है क्यूब। पहले वाले में क्या था, स्क्वायर। ठीक है, कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी संख्या का स्क्वायर दे रखा हो, उसमें प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है किसी भी नंबर में, एनी नंबर। ठीक है, और ऐसे ही क्यूब भी हो सकता है, कोई भी संख्या दे रखी हो क्यूब हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, एनी नंबर। तो अब से पहले मैंने आपको क्या बताया था, अब से पहले मैंने आपको बताया था स्क्वायर, अब क्या बता रहा हूं मैं आपको, बता रहा हूं क्यूब। तो इसमें क्यूब का सिस्टम है और क्यूब कहां लागू हो रहा है ये और देखते हैं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, हमें ये नहीं पता होता कि क्यूब कहां पे लागू हो रहा है, कैसे लागू हो रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे 30 का और 68 का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, 68, 130 का भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, 130 और 222 का भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन हमको बनाना है। तो यहां पे अब करेंगे 3 का क्यूब और 3 का क्यूब होता है 27। 27, 3, 3, 9, 9, 3, 27। 27 में हमने ऐड किए 3 तो कितने हो गए भाई 30, और 30 हमको यहाँ पे दे रखे हैं। सही है भाई, अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे हम 4 का करके देख लेते हैं। 4 चौक 16, 16 चौका 64 और 64 में हम 4 करेंगे ऐड, तो 4 का क्यूब प्लस 4 तो कितना हो गया भाई 68। आगे चलते हैं, अब आते हैं इस पे 130 पे। ठीक है, तो 130 5 का क्यूब ले लो, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 प्लस 5 कितने हो गए 130 हो गए। ठीक है, 130 यहाँ लिखा हुआ है, सही है भाई। अब लेते हैं 222, 222 कितने का हम करते हैं 6 का स्क्वायर क्यूब, 6 छिंग 36 और 36 छिक्के कितने होते हैं 216 और 216 में हम ऐड करेंगे भाई कितने, अब 5 हो गए यहाँ 6 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 222। कैसे पहले एक बार समझिएगा, 216 कैसे आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 5 का क्यूब है और तो यहाँ पे हम करेंगे 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 प्लस 6 222। ठीक है, अब आगे चलते हैं 350, 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब करेंगे, 7 × 7 = 49, 49 × 7 = 343। ठीक है, 343 प्लस कितना करेंगे हम 7, प्लस 7 करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा भाई 350 और यहाँ पे क्या है 350। ठीक है भाई, अब हम करेंगे यहाँ पे कितने का, ये देखिए पहले यहाँ पे 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, 7 का है तो यहाँ करेंगे हम 8 का और 8 का क्यूब करेंगे, 8 × 8 = 64 और 64 अट्ठे कितने होते हैं भाई 64 अट्ठे होते हैं 512 प्लस 8 512 प्लस 8 कितने हो जाएंगे भाई 8 × 2 = 10, 0, 1 + 1 = 2, 520 आंसर आ जाएगा इसका, कितना आंसर आ जाएगा भाई 520 हो गया। सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस चीजों को समझना है। अब एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे संख्या दे रखी है, अब भाई मैं अगर ऑप्शन मेरे को दे रखे हों, अगर मेरे को ऑप्शन दिया हो तो चेंज हो सकता है भाई, कुछ भी इसका भी हो सकता है ये वाली ट्रिक ना लगे, लेकिन जो भी मैंने पीछे ट्रिक बताई हो सकता है उनमें से लगे, या आगे आने वाली कोई ट्रिक है उसमें बताऊंगा मैं, वो हो सकती है। ठीक है, तो अब आपको एक मिश्रित संख्या और दे रखी होती है कि इनके बीच में कोई एक दूसरे से रिलेशन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आपको दे देता है ऑप्शन में। देखिए उसको कैसे करेंगे भाई, ये इतने तरीके हमने जान लिए और बहुत तरीके हैं, इनको आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ से भी ज्यादा तरीके मैंने आपको बता रहा हूं इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, अब यहां आप देखेंगे 5, 6, 7, 6, 7, 8, 7, 8, 9
और उसके बाद 8, 9, 10 और 9, 10, 11। अब आपसे पूछ रहा है बताइए दोस्तों यहां पे क्या आएगा। अब एक दूसरे से कोई भी भाई बीच में यहां पे कुछ नहीं दे रखा है, तो हमें क्या करना है, हमें तो अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 5, 6, 7 ठीक है, 6, 7, 8 ठीक है, 7, 8, 9 ठीक है, 8, 9, 10 और 9, 10, 11। तो इसमें क्या है, तीन तीन का हमने अलग अलग तोड़ लिया, तीन तीन को यहां पे, पहले तीन को तोड़ा, फिर तीन को तोड़ा, फिर तीन को तोड़ा, फिर तीन को तोड़ा, फिर तीन संख्याओं को तोड़ा। लेकिन यहां पे देखिए 5, 6, 7 फिर बीच की संख्या, मतलब लास्ट वाली से पहली से स्टार्ट हो रही है 6, 7, 8। फिर देखिए 7 से स्टार्ट हो रही है 7, 8, 9। फिर 8 से स्टार्ट हो रही है 8, 9, 10। फिर 9 से स्टार्ट हो रही है 9, 10, 11। तो हमें फिर इससे स्टार्ट करनी है बीच वाली से, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, 10, 11 और 12, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये भी हो गया क्लियर भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें देखिए पहले यहां पे लिख लेता हूं मैं, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है आगे क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7 आप लोगों की समझ में बहुत अच्छी तरह से आ रहा होगा। इसमें हो क्या रहा है भाई, 3 है यहाँ पे, फिर 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7 और अब क्या आ जाएगा भाई, पहले देखिए 3, फिर बढ़ रहे हैं 4, फिर बढ़ रहे हैं 5, अब की बार 6 बढ़ेंगे, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करने हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट, जो थोड़ा सा वर्ड मीनिंग का है, इंग्लिश का है थोड़ा सा, ठीक है। लेटर दे रखे हैं इसमें कुछ, और उन लेटर के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन करा रहा है। ये देखिए इस वाले को, लास्ट वाले को देखते हैं हम, इसमें बी सी डी, इसको अलग अलग लिखता हूँ मैं थोड़ा सा गैप करके, सी डी ई, और उसके बाद कह रहा है एफ डी ई, और उसके बाद कह रहा है एफ जी एच ई और एफ जी एच आई जे, और यहाँ पूछ रहा है अब क्या आएगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, बी सी डी अलग बन रहा है, सी डी ई एफ इतना अलग बन रहा है, और डी ई एफ जी एच यहाँ पे एच तक है, इसके बाद ई एफ जी एच आई जे यहाँ तक अलग है। तो देखिए इनमें सबसे पहले ये वाला जो ई है ना, इस वाले खाने में यहाँ पे आएगा, इतना गैप अलग अलग कर देते हैं हम यहाँ से। अब थोड़ा सा समझने का कोशिश करना, इसको समझने की कोशिश करना, यहाँ पर तीन दे रखे हैं बी सी डी, और फिर इस बीच वाली से सी डी ई एफ, ठीक है, और फिर इस वाले से दूसरी वाली संख्या से फिर डी ई एफ जी एच, ठीक है, अब फिर दूसरी वाली संख्या से ई एफ जी एच, जो भी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी वाली संख्या से लेंगे इससे, यहाँ पे क्या जाएगा एफ जी एच आई ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है। अब L आएगा या नहीं आएगा, देखिए एक बार देखते हैं, यहाँ पे 3 बढ़ रही है, यहाँ 4 बढ़ रहे हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो इस वाली कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक होने चाहिए 7, कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे L भी आ जाएगा, के L, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया, इसमें 3 है यहाँ पे, इसमें 4 है, यहाँ 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आशा करता हूँ इस वीडियो में और कुछ भी रह नहीं गया है, क्योंकि देखिए एक ही अगर मैं डिटेल में कराऊंगा ना, तो एक एक प्रश्न है, जैसे हम तीव्र गति से बढ़ने वाले प्रश्नों को करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, विषम संख्या, सम संख्या निकालेंगे, तो एक एक चीज के ही कम से कम नहीं है तो 10-10, 15-15 सवाल बन जाएंगे, क्योंकि प्रश्नावली में भी आप देखेंगे मेरे पास कई बुक हैं रीजनिंग की, 6-7 बुक हैं मेरे पास, 5-6 बुक हैं, और काफ़ी मैंने कर भी रखी हैं, ठीक है। तो उनमें क्या है, एक एक क्वेश्चन मतलब अलग अलग तरह से बदल बदल के, मतलब उसके अंक बदल दिए, सिस्टम वही है, चीज़ें वही लागू हो रही हैं जो मैंने बताई हैं, बाकी कुछ भी नहीं, अलग अलग तरीके से, किसी में कम करके कर दिया, किसी में घटा के कर दिया, किसी में ऊपर लगा दिया, किसी में नीचे लगा दिया, चीज़ें यही हैं। तो मैं एक पीडीएफ फाइल दूंगा आपको, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी या फेसबुक पे पेज है कंपटीशन गुरु का, वहाँ से ले सकते हैं, ऑफिशियल कंपटीशन गुरु है, वहाँ से मैं पीडीएफ वहाँ पे भी डाल दूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में है, अगर आप कंपटीशन गुरु के व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा फेसबुक पेज की भी, व्हाट्सएप ग्रुप की भी, और
टेलीग्राम पे भी आप कंपटीशन गुरु सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी मैं लिंक दे दूंगा उसकी, ठीक है। इन चीज़ों पे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी इनकी, जो क्वेश्चंस मैं दूंगा उन क्वेश्चन को करने में, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी आ रही है तो मैं आपको कमेंट करिएगा मेरे को और मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। अभी आप मेरी पिछली कोई भी कमेंट उठा सकते हैं जिसमें भी अगर मेरे को लग रहा है कि इसका जवाब देना जरूरी है, उस कमेंट का मैंने जवाब दिया हुआ है। साथ ही साथ मेरे पास बहुत से व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं, मैं डेली की बात करूं तो 250, 300, 200 ये मेरे पास डेली मैसेज आते हैं। कई दोस्त कहते हैं मेरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड कर दो, ये कर दो, तो मैं कोशिश करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। मैं डेली 10, 15, 20, 50 कम से कम डेली क्वेश्चनों को सॉल्व करके भेजता रहता हूं, लेकिन उनमें से बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि नीचे चला गया, नहीं हो पाता इतना टाइम कि मैं सभी का, ठीक है ना, रिप्लाई कर सकूं। तो प्लीज़ वो माइंड ना किया करें कि ये हमारा जो जवाब नहीं देते हैं, जिनका हो सकता है मैं जवाब देता हूँ, एक घंटे आधा घंटे बैठ के हर चीज़ का, हर क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, तो कमेंट का भी, कमेंट में भी जवाब दूंगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। जो ग्रुप है ना, मैंने एक ग्रुप भी बनाया था व्हाट्सएप पे, अभी उसमें क्या फालतू के मैसेज कर देते हैं कि ये 10 लोगों को सेंड करो, 20 लोगों को सेंड करो, नई नई चीज़ें हो रही हैं। ये एक उन्होंने इंपोर्टेंट कोई नोटिस दे दिया, ठीक है भाई वो ठीक है, इंपोर्टेंट नोटिस होना भी चाहिए, कोई बात हो रही है तो हम तक भी आनी चाहिए और सभी स्टूडेंट तक आनी चाहिए, लेकिन ये क्या है कि आप 100 लोगों को शेयर करें आप पेपर में पास हो जाएंगे। अब पेपर में ऐसे 100 लोगों से पास करने से शेयर हो जाएंगे तो वीडियो क्यों देख रहे हो, राम राम लिख करके सेंड करते रहो, जय माता दी लगा करके डी लगा दो, जरूरत ही नहीं है, पास हो जाओगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो यार, इस तरह के मैसेज उस पर ना करके आप जो है, जो भी आपको मैसेज ये लगे कि मुझे इसका जो है जवाब चाहिए तो प्लीज़ उसको मैसेज किया करें। थैंक यू, आपने वीडियो को देखा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक का भी बटन है। जिनको ये वीडियो अच्छा नहीं लगता है ना, बहुत से लोगों को शिकायत होती है, तो कमेंट में मतलब ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट ना किया करें लिख करके, जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं वो डिसलाइक ही करके मेरे को बता दिया करें। थैंक यू, तो इतना ही ज्ञान बहुत है दोस्तों, ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं इन चीज़ों को। थैंक यू, आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं हमें, ऐसे ही करते रहिएगा और हम भी आपको पूरी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपका दिन शुभ हो।